सो कैसी लगी आपको मूवी बेवॉच? बहुत अच्छी है मूवी तो, बहुत अच्छी है। प्रियंका एज अ विलन एंड शी इज डैम हॉट। सो इट्स अ कॉमेडी जॉनर और लाइक मिक्स? इट्स अ मिक्स। नेक्स्ट वन, सो लाइक गाने हैं मूवी में? नहीं गाने नहीं, गाने नहीं है। प्रियंका को हॉलीवुड ही करते रहना चाहिए या बॉलीवुड में भी आ जाना चाहिए? दोनों करना चाहिए, हॉलीवुड करते रहना चाहिए। हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लाइक टू गिव? फुल 5। थैंक यू सो मच। अच्छी थी प्रियंका की एक्टिंग? अच्छी थी एकदम। मतलब क्या लगता है कि हॉलीवुड में काम करना चाहिए या बॉलीवुड में काम करना चाहिए? मोस्टली बोथ मींस हॉलीवुड अच्छा। एज ए विलन की वो कैसा लगा? क्या लगा मींस अच्छा लगा। 4.5 out of 5। बहुत बहुत मस्त फिल्म था, मानो बहुत अच्छा था। उन्होंने इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा किया है। नहीं दोनों, उन्होंने क्वांटिको भी किया है तो ये तो काफ़ी अच्छा है। क्वांटिको से भी काफ़ी अच्छा लगा उनका एक्सेंट, वो बहुत अच्छा है। 6, 5 में से 6। मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड प्रियंका चोपड़ा को अगर ज्यादा दिखाया होता मूवी में देन इट वुड बी लाइक we obviously wanted to see her more but it was an amazing movie. something different and wo hot to already bahut zyada hai, really nice. yeah definitely definitely 5 4.9. one last a movie was really nice and I really liked it and Priyanka ka performance was really good, like she is doing really good here also and in Hollywood also, so I'll give 4 out of 5. So, फिर भी लगता है कि आपको ज़्यादा करके Hollywood में काम करना चाहिए? नहीं वो I think दोनों बहुत अच्छे से balance कर पा रही है, so it's great. yeah 4 out of 5. yeah thank you. Baywatch के बारे में पूछ रहे हैं ना? this movie was not that great, जैसा expect किया था जितना हाइप था उतना तो नहीं है, बट या इट्स अ डिसेंट मूवी, वन टाइम वॉच फॉर स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, दिल इन्जॉय इट मोर। प्रियंका की एक्टिंग, जो उसका किरदार था नेगेटिव किरदार जो था वो शी प्लेड इट रियली वेल। उसका जो किरदार था उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं करने को बट शी वॉट एवर इट वॉज देयर शी डिड इट वेल। हाँ डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस है, यू कैन से सेटिंग्स जो है फिल्म की वो बहुत ही ग्लैमरस है जो उन्होंने किया है। ग्लैमरस इन द सेंस कि उन्होंने शी हैज दैट पहले जो किया था उससे बेहतर ही है इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक्टिंग ठीक थी, इतना कुछ नहीं था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ठीक थी। मैसेज यही दे रही है, एंटरटेनमेंट है और क्या मैसेज देंगे। 3 stars out of 5 यार।